पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से दिल्ली की सत्ता संभाली है तब से ही सवाल किया जा रहा है कि उनकी हुकूमत में नंबर दो कौन है। कई बार तो बीच बीच में नाम भी उछाले गए। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का नाम तो लिस्ट में सबसे आगे रखा गया था, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि मोदी की हुकूमत में किसी को नंबर दो के लीडर का दर्जा नहीं दिया गया है। अभी तक यह देखा गया है कि जब पीएम फॉरेन विजिट्स पर जाते हैं तब मुल्क में कामकाज को संभालने की जिम्मेदारी कैबिनेट के सबसे पावरफुल मिनिस्टर को सौंपा जाता है। मोदी के ब्राजील दौरे पर जाने को लेकर लोगों की नजर इस बात पर ज्यादा थी कि वह यह जिम्मेदारी राजनाथ या जेटली में से किसको देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी ने नंबर दो की पोजीशन किसी को भी नहीं दी। माना जा रहा है कि मोदी की गैर मौजूदगी में उनका काम पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह देखेंगे। वह संसद में पीएमओ से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। इससे पहले बीजेपी में शनिवार को पार्लियामेंट्री पार्टी में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली दोनों ही को बराबरी के साथ नंबर टू पर दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें माना जा रहा था कि मोदी की गैर हाजिरी में राजनाथ सिंह सदन के डिप्टी लीडर के नाते सदन और सरकार को लीड करेंगे। पार्टी ने राज्यसभा में अलग से अपना नेता किसी को घोषित नहीं किया है। इस तरह संसद के अंदर मोदी और जेटली अपने अपने सदन के नेता होंगे, लेकिन पार्टी संसदीय दल में जेटली राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के तौर पर ही जाने जाएंगे। मोदी की हुकूमत में जहां कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वहीं कई नए फॉर्मूले भी अप्लाई किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी जी का ये फैसला उनको कहां तक सही साबित करता है। दिल्ली से मुंसिफ टीवी के लिए जागृति सिंह की रिपोर्ट।